दोस्तों मॉडर्ना कंपनी के ट्रायल्स अब स्लो होने वाले हैं, उसके पीछे रीजन क्या है वो समझे के बाद में हम बात करेंगे कि कब रशिया की वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट होगा। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में ताकि आप सभी को मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यूएस की मॉडर्ना कंपनी के बारे में। दोस्तों ये फेज 3 के ट्रायल्स परफॉर्म कर रही है यूएस के अंदर, जिसमें 30,000 पार्टिसिपेंट्स पे ट्रायल्स हो गए, जिसमें से ऑलरेडी 21,000 से भी ज्यादा लोगों पे वैक्सीन के ट्रायल्स अब तक हो चुके हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। लेकिन अब ये ट्रायल्स थोड़े स्लो हो जाएंगे, क्योंकि अब ना मॉडर्ना कंपनी जो है वो लो रिस्क पेशेंट्स, मतलब जो 0 से 18 है ना, वो एज ग्रुप को ये ट्रायल्स में इंक्लूड करने वाली है। तो यहाँ पे अब ज्यादा समय लगेगा, लेकिन वो ये चीज को प्रॉपर करने वाला है। आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, मॉडर्ना कंपनी ने उसके अलावा के बाकी जितने भी ग्रुप्स है 18 से 56, 56 से 70 से अबो सभी पे ट्रायल्स परफॉर्म कर लिए हैं, और ये वैक्सीन सभी ग्रुप्स को प्रॉपर इम्यूनिटी दे पा रही है। अब ये ट्रायल्स थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे, लेकिन इतने ट्रायल्स तो सक्सेसफुली कर ही लिए हैं कि अगर उन्हें इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अक्टूबर में जाना पड़े तो उनके पास प्रॉपर डेटा होगा। अब हम बात करते हैं कि रशिया की वैक्सीन का इंडिया में अब क्या फ्यूचर होने वाला है। दोस्तों एक चीज तो कंफर्म है कि रशिया की वैक्सीन इंडिया में तो बनेगी ही, क्योंकि रशिया भी ये चीज कह चुका है कि वैक्सीन बनाने में इंडिया की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और ये इन्फॉर्मेशन उनके वेल्थ फंड के सीईओ ने ही शेयर करते हुए कहा था। तो 100% लेकिन बनेगी। उसके अलावा रशियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि उनके पास काफी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के एग्रीमेंट्स आए हुए हैं। तो यहाँ से इंडिया से काफी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने अपने एग्रीमेंट्स जो है ना वो उनको भेजे हैं कि हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो अब देखना है कब एग्जैक्टली कंफर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि हमारे राजनाथ जी जो है वो भी वहां पे मॉस्को में ही है। उन्होंने भी स्पुतनिक वी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वैक्सीन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी और ये बहुत ही अच्छी है, इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने भी दिया था। तो यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले समय में हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा ही कि ये कंपनी जो है वो रशिया की वैक्सीन इंडिया में बनाएगी। लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है ना तो मैं ही आपको वो चीज बताने वाला हूँ। तो आशा रखता हूँ ये दो अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे। आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।